Assalamu alaikum to the students of class 10th. You all know that we have started the chapter that is the heritage and the evolution. We have discussed a number of topics in today's lecture. We are going to discuss the dihybrid cross. You know that Mendel performed the experiments on the peacock. Out of that, he performed the first cross, that is the monohybrid cross. After that, he performed the dihybrid cross. First of all, you should know what do you mean by dihybrid cross. A cross, a reproduction in which two pairs of characteristics are considered, or two pairs of characteristics are considered to be crossed up. That's called as the dihybrid cross. Just like अगर आप parent generation ले रहे हैं, पहले की दो parent plants ले रहे हैं, कि दो characteristics को आप मैचिंग कर रहे हैं या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आप अंडरटेक कर रहे हैं. सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करेंगे पैरेंट जनरेशन में, सपोज एग्जांपल हम लेंगे सीरियल कैरेक्टरिस्टिक. एक पैरेंट जनरेशन में एक प्लांट के पास राउंड सीड है और ग्रीन सीड है, और दूसरी जो वैरायटी है, दूसरी वैरायटी है रिकलर्ड येलो सीड्स. याद रख लीजिए जो राउंड ग्रीन सीड्स है डोमिनेंट है, और रिक्लर्ड येलो सीड्स जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है. अब अगर हम इस डायहाइब्रिड क्रॉस को डिस्क्राइब करेंगे, सबसे पहले हम गैमिट्स लिखेंगे राउंड ग्रीन सीड्स का. राउंड के लिए कैपिटल आर और ग्रीन सीड्स के लिए कैपिटल वाई और रिंकलेट के लिए स्मॉल आर और येलो के लिए स्मॉल वाई. उसके बाद यही दो वैराइटीज़ जब आपस में क्रॉस की जाती है, सबसे पहले एफ वन जनरेशन में आर वाई गेमीट बनेगा और स्मॉल आर वाई बनेगा गेमीट. और लास्ट जब पहला इंडिविजुअल जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई सर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. यानी कि जो वैरायटी होगी वो राउंड येलो की आ जाएगी इन द फर्स्ट जनरेशन. याद रखिए कैपिटल आर एक्सप्रेस करेगा क्योंकि डोमिनेंट है टू दैट ऑफ द आर, और जो है मास्क हो जाएगा, और वाई कैपिटल वाई जो है मास्क करेगा स्मॉल वाई को. उसके बाद जो है नेक्स्ट में अगर आप सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग का मतलब है कि सेल्फ पोलिनेशन करेंगे, जो आउटकम ऑफ एफ वन जनरेशन है डायहाइब्रिड क्रॉस का वो कैपिटल आर स्मॉल आर था और कैपिटल वाई स्मॉल वाई था. उसके गैमेट्स हम बनाएंगे, वो इस तरह की चार किस्म के गैमेट्स बना सकते हैं. सेम इज केस हियर, एफ वन इंडिविजुअल का ही फिर से लेंगे गैमेट्स, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई ये गैमेट्स बनेंगे. अब इन ये गैमेट्स जब आपस में रैंडमली क्रॉस हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं इन चार गैमेट्स के लिए और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. और वहाँ पे बहुत सारे इनकी पहले आर वाई को कैपिटल आर वाई को आपस में क्रॉस करके कैपिटल वाई हो जाए. इस तरह से हर एक वर्टिकल साइड से जो आप ले रहे हैं ये गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स है, वो फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के क्रॉस करके वहाँ से आपकी वैराइटीज आ जाएंगी या प्लांट्स आ जाएंगे, और सीधे जो वहाँ से डेवलप हो जाती है वैराइटीज़ या जो प्लांट्स डेवलप होते हैं उनको हम बोलते हैं फिनोटाइप्स. और फिनोटाइप्स में याद रखिए कैपिटल आर जब दोनों होंगे तब राउंड है, या कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा तब जो है याद रखिए वो भी राउंड होगा. यहाँ पे राउंड येलो की 9 वैराइटीज़ आती हैं, राउंड ग्रीन की 3, रिंकलर येलो की 3 और रिंकलर ग्रीन की 1. और जो जीनोटाइपिक रेशियो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीनस जो है, यानी कि आर और वाई चाहे वो कैपिटल आर या स्मॉल वाई है, वहाँ पे हम देखते हैं हमारा रेशियो इस तरह से आता है जीनोटाइपिक रेशियो. और लास्टली ये जब हम रेशियो निकालते हैं वो आता है 1:2:1 1:2:1 रेशो हमारा आता है. अभी जो ऑब्जर्वेशन की जाती है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो की जाती है किसकी, डायहाइब्रिड क्रॉस की. हम देखते हैं कि जब कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस किया हमने स्मॉल एफ वन जनरेशन में, सारे इंडिविजुअल जो है येलो यानी कि राउंड येलो की आ गई. जब हम सेल्फ पोलिनेशन की तो वहाँ पे जो हमारा रेशो आ गया फिनोटाइप 9:3:1, इसका मतलब कि राउंड येलो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसके अलावा जो है
उसके अलावा जब एफ वन जनरेशन में डिजिटल आया था तो एक ही कस्म के आ गए, तो फर्दर जनरेशन में आपने देखा कि करेक्टर्स मिक्स नहीं हो गए, तो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस हो गए, उसको बोलते हैं इनहेरिट इंडिपेंडेंटली। इस तरह से पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर्स जो है इसको अंडरटेक किया गया। तो उसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा था, दैट सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन वो प्रोसेस है जिससे ये पता चलता है कि वेदर द इंडिविजुअल बी मेल और द फीमेल। सो द प्रोसेस इन विच सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिस्क्राइब्ड विद दैट इज वेदर द इंडिविजुअल बी मेल और द फीमेल, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। अब सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में दो फैक्टर्स होते हैं, एक है इन्वायरमेंटल और दूसरा है जेनेटिक। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है कि इन केस ऑफ टर्टल, कि रेप्टाइल्स में एक टर्टल आती है, टर्टल्स में अगर जब फर्टिलाइज होते हैं, अगर वहाँ पे टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा रहता है तब मेल बन जाता है, अगर कम रहता है तो फीमेल बन जाती है। सो द टेम्परेचर एक्ट्स एज अ फैक्टर टू डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल बी मेल और द फीमेल। उसके बाद जो है अगर जेनेटिक हम बताएंगे, उसमें क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी जैसे उसमें जो है जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन होती है। सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, और फीमेल्स में एक्स एक्स होता है और मेल्स में एक्स वाई होता है, और फादर्स में 22 ऑटोसोम्स आगे जाते हैं और उसमें से फादर का एक्स या वाई जा सकता है जैसे गैमेट्स बनते हैं। इस तरह से फीमेल यानी कि मदर की यहाँ पे एक्स एक्स में से एक्स एक्स गैमेट बन सकते हैं। लास्टली जब 22 पेयर्स आगे जाएंगे और वो बॉडी के कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करेंगे लेटर जो है, पहले एक्स आ सकता है इसमें से भी एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है इसमें एक्स आ सकता है। अगर एक इंडिविजुअल में एक्स एक्स आ गया तो वो फीमेल है, फिर से अगर एक्स वाई आ गया तो मेल है। जाइगोट में सेकेंड डिटरमिनेशन होती है जब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होते हैं, स्पर्म में एक किस्म का क्रोमोसोम और उसमें दूसरी तरह होता है। सो द मैन डिटरमिनेंट सेक्स ऐसा तो ह्यूमन हिटेरोजाइगस कंडीशन ऑफ द गैमेट्स, वहाँ पे दो किस्म की गैमेट्स बनाते हैं, इसलिए वही डिटरमाइन करेगा। अगर वो एक्स रिलीज करेगा तो फीमेल है, अगर वो वाई रिलीज करेगा तो मेल। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, विल कंटिन्यू आवर लेक्चर्स इन द नेक्स्ट फेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।